तो यहाँ पे देख लीजिए मैं कलेजी का कलेजी बना रही हूँ। अच्छे से कलेजी को वॉश कर ली, उसके बाद वॉश करने के बाद मैं दो तीन पानी था जिसको वॉश करने के बाद हल्दी डाली हूँ और नमक डाली हूँ और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल रही हूँ। मैं अभी 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल रही हूँ जिससे हमारी कलेजी में अच्छे से टेस्ट आता है इसीलिए। तो चलिए सारी चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ मैं अच्छे से। तो अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अभी इसका जितना भी पानी दिख रहा है पानी पूरा अब्जॉर्ब करना है ये कलेजी, बिसान पानी भी इसमें से निकलता है, ये पूरा पानी अब्जॉर्ब करना है, थोड़ा सा भी पानी नहीं रहना। अब जितना पानी दिख रहा है पत्ती भी पानी नहीं रहना हमें, उसका अच्छे से कलेजी को बॉयल करना, हमें पूरा पानी अब्जॉर्ब करना कलेजी। चलिए मैं गैस पर चढ़ा दूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं कलेजी को बॉयल होने के लिए अब्जॉर्ब करने के लिए इसका बरसान पानी भी गिरना और ये अच्छे से बॉयल होने के लिए मेरा डालू और इसके ऊपर एक प्लेट भी ढक के हो, पूरा क्लोज नहीं करना हमें, हाफ क्लोज करना। मुझे एक डर रहता है कभी कहीं कुछ ना पड़ जाए हमारे हमें खाने पीने के लिए, इसलिए मैं स्ट्रिक्ट से काम करती हूँ क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी खाते हैं हमें पकाते हैं तो हमें ही सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए इसके लिए क्या क्या मसाले चाहिए वो दिखा देती मैं आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं गैस का फ्लेम स्लो फ्लेम रखती हूँ अच्छे से, जब 2-3 मिनट के बाद इसमें हाई फ्लेम में रखी थी, 2-3 मिनट बाद अच्छे से इसमें बॉयल आने लगा तो मैं इसे लो फ्लेम पे रखी हूँ ताकि हमारा गैस इधर उधर जाके गैस ख़राब ना हो जाए, इसीलिए हमें डबल काम ना लगे इसीलिए मैं इस तरह से करी हूँ। अभी ये लो फ्लेम पे अच्छे से इसका पानी अब्जॉर्ब होना, इस तरह से इसमें जितना भी पानी एक्स्ट्रा पानी है उसे पूरा हमें ड्राई करना है, तब तक इसे कलेजी को पकाना है तभी हमारा कलेजी का टेस्ट अच्छे से आता है। तो चलिए मैं दूसरी तरफ आपको इसके लिए क्या क्या मसाला पीसना है वो दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले ली हूँ मैं एक टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, होममेड खोती मिर्च, सूखी मिर्च 4 से 5 ले लीजिए, काली मिर्च, जीरा, प्याज, इन सब का हमें एक पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा पानी सब अब्जॉर्ब हो चुका है, हमारा थोड़ा भी पानी नहीं है। तो चलिए हम इसका तो यहाँ पे देख लीजिए मैं पेस्ट भी बना ली हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ मैं, अभी इसमें हमारा जैसे ही तेल गर्म हो रहा है तो मैं इसमें मसाला ऐड कर रही हूँ। और भी थोड़ा सा मसाला है जार में, तो अभी मैं ये सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो मैं लाल मसाले की कलेजी बनाने वाली हूँ इसीलिए, तो हमारा ये मसाला अच्छे से पक जाना इसीलिए मैं थोड़ी देर क्लोज कर देती हूँ 2 मिनट तक। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा तेल ऊपर आ चुका है तो हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। तो चलिए जो मैं कलेजी रखी थी उस कलेजी को ऐड कर रही हूँ, हम सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। सॉरी जार में जो मसाला था उस मसाले में थोड़ा सा और भी पानी ऐड करके मैं थोड़ा सा बस हाफ ग्लास पानी अभी इन मसालों में अच्छे से पकने छोड़ रहा हूँ। तो अभी इसी टाइम हमें मसाले को चख कर देख लेना है कि हमारे मसाले में नमक सब कुछ बराबर है क्या, मैं कोई मिर्ची कटा सब नहीं डाली
जो था लाल मिर्च काली मिर्च डाली, इसी से हमारे कलेजी में अच्छे से टेस्ट आता है। तो चलिए इसमें नमक बराबर है क्या देख लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा नमक कम था इसीलिए मैं नमक ऐड करियो। तो मैं अभी इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आप कितनी हरी सूखी मिर्च खाना पसंद करते हैं आप अपने हिसाब से डालिए फ्रेंड्स। मैं अपने हिसाब से डालूँ काली मिर्च और सूखी मिर्च से बहुत ज़्यादा तेज आता है इसीलिए मैं अपने हिसाब से क्वांटिटी थोड़ी सूखी मिर्च की कम रखी। आप ज़्यादा तेज खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा तेज डालिए, ज़्यादा सूखी मिर्च डालिए। तो चलिए इसे भी मैं अच्छे से ऑब्जर्व कर लेती हूँ मसाले में अच्छे से। इसका फ्लेम मैं स्लो कर चूँ और स्लो फ्लेम में मैं 5 मिनट तक इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसे मैं ऑब्जर्व कर लेती हूँ। तो चलिए 5 मिनट के बाद आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा पूरा पानी ऑब्जर्व, हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। तो मैं गैस हाफ कर रही हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं सर्व कर डाली हूँ कलेजी और देखने में कितनी अच्छी दिख रही है, खाने में भी उतनी ही मज़ेदार है। फ्रेंड आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। आई होप आप लोगों को भी पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल बनेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और एक और 5 लोगों में शेयर करिए जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई तो खा रही हूँ, बहुत मज़ेदार है। यहाँ पे देखिए एक नंबर है फ्रेंड्स, और मेरे बच्चों की हाफ दाम भी साइड से आ रही है खाने के लिए, वो तो आउट ऑफ कंट्रोल है। देखिए देखिए अब एक भी हाफ आ रहा है।